अगर कोई इच्छाधारी नाग है तो कहानियों के मुताबिक उसकी स्किन बार बार ड्राई हो जाती है क्योंकि वो बार बार अपनी स्किन उतारता है। केचुली दादी कैसी है? दादी को होश आ गया है, लेकिन मैं आज रात उन्हें हॉस्पिटल में ही रख रहा हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए, और मैं भी आज रात हॉस्पिटल में ही सोऊंगा। तुमसे बस 10 मिनट के लिए मिलने आया था, क्योंकि जब तक शिव अपनी शक्ति से नहीं मिलता वो चार्ज ही नहीं हो पाता। 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अगर शिव को एनर्जी चाहिए तो उसे अपनी शक्ति से मिलना ही होगा। शिव से ही है शक्ति। हो गया चार्ज। डॉक्टर शिव, आप ना किसी चीज की चिंता मत कीजिए। जब तक हम हैं ना यहाँ, हम इस घर का अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलिए। चार्जिंग वायर लगी रहने दो। नहीं शक्ति, तुम मोहिनी के साथ जहर का खेल खेल रहे हो, संभाल नहीं पाओगे। सावित्री अपने सत्यवान को यमराज से बचाने की कोशिश कर रही थी, नागिन से नहीं, वरना वो हार जाती और सत्यवान का राम नाम सत्य हो जाता। अब शिव का होगा। साइंस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें अच्छे से पता है कि हमें इसका आंसर कहाँ ढूंढना है, लेकिन इन सब के बारे में हम कहाँ ढूंढें? ये नाग नागिन किससे बात करें इन सब के बारे में? आजकल के ज़माने में अगर भोलेनाथ के बाद कोई है जिसे सब कुछ पता है, वो एक ही है। मिथ्स, लेजेंड्स, कहानियाँ। अगर कोई इच्छाधारी नाग है तो कहानियों के मुताबिक उसकी स्किन बार बार ड्राई हो जाती है क्योंकि वो बार बार अपनी स्किन उतारता है। केचुली। बार बार तुम अपने हाथ पे कौन सी क्रीम लगाती रहती हो? हमारे हाथ बहुत रूखे हैं ना, तो फट जाते हैं, इसलिए क्रीम लगाते हैं हम।